Dear students, today we will start from lesson 2, A Gift of Chapels of Honeycomb. ठीक है, ये आपकी Honeycomb book का lesson 2 है जिसका नाम है A Gift of Chapels, means chapels का gift. अब देखते हैं किसको मिलता है ये gift chapels का, कौन किसको दे रहा है. And the author of this lesson is Vasanta Surya. ठीक है, now introduction is Introduction of the lesson or the story is, the story is about the mischievous and simplicity of children's behavior. They wish to explore every aspect but act according to their logic. They gave chappals to the beggar and then to the music teacher without hesitation. Their sensitive heart melts easily. इसमें देखो क्या है, ये जो स्टोरी है ये चिल्ड्रंस के बिहेवियर के ऊपर है. मीन्स कुछ बच्चे हैं, उनका बिहेवियर, उनका नेचर शो कर रहा है इस चैप्टर में कि उनका नेचर किस टाइप का है. थोड़े से वो शरारती हैं, मिस्चीवियस हैं, ठीक है, और लेकिन वो सिंपल भी हैं साथ में. ठीक है, दे विश टू एक्सप्लोर एवरी एस्पेक्ट बट एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक. वो हर एक एस्पेक्ट अपना, हर एक जो अपनी लाइफ का जो पार्ट है या जो उनका जो नेचर है वो चाहते हैं इस चैप्टर में दिखाना, लेकिन करते वही हैं जो उनका लॉजिक कहता है, जो उनका माइंड कहता है वो वही करते हैं इस स्टोरी में. दे गेव चप्पल्स टू द बैगर, और इस स्टोरी में क्या होता है कि वो चप्पल्स को बैगर को दे देते हैं. बैगर को ज़रूरत होगी तो वो कहीं से ला के चप्पल्स जो हैं बैगर को दे देते हैं, भिखारी को. एंड देन टू द म्यूज़िक मास्टर विदाउट हेजिटेशन, और उसके बाद म्यूज़िक मास्टर को भी दी जाती है बिना किसी हेजिटेशन के. देयर सेंसिटिव हार्ट मेल्ट्स ईजली, और उन बच्चों का जो बहुत ही मासूम सा जो दिल है, जो हार्ट है, जो नेचर है, वो ईजली मेल्ट भी हो जाता है, पिघल भी जाता है. मतलब वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं जो वो बच्चे हैं. ठीक है, ये जो स्टोरी है चप्पल्स के ऊपर है कि एक जो गिफ्ट है चप्पल्स का वो किसको मिलता है, कौन देता है, क्या होता है स्टोरी के अंदर. ओके, वी विल स्टार्ट द स्टोरी और द समरी ऑफ लेसन 2, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. हियर इज टू पार्ट ऑफ द स्टोरी, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड. नाउ फर्स्ट पार्ट इज One afternoon, Mridu went to her aunt. यहाँ पे देखो, एक दिन दोपहर में क्या होता है, जो मृदु है वो अपनी आंट के पास जाती है रुकुमनीज हाउस, और जो आंट है उसका नाम क्या है, रुकुमनी. ठीक है, रुकुमनी के घर पे जाती है मृदु, एक लड़की है, और वो अपनी आंट के घर पे जाती है, आंटी के घर पे, जिसका नाम है रुकुमनी. She went there to meet her cousins, और वो अपनी cousins से मिलने जाती हैं वहाँ पे. और उन बच्चों के नाम क्या क्या है, क्या क्या उनके कज़न्स का नाम है, लाली, रवि एंड मीना. ओके, उन बच्चों के क्या नाम है, लाली, रवि एंड मीना. रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, रवि जो है उसको मृदु को खींच के लेके जाता है पीछे, घर के पीछे जो बैकयार्ड आता है वहाँ पे. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल ले अ वेरी स्मॉल, और वहाँ पे एक फुटबॉल होती है, एक फटी हुई फुटबॉल होती है. ठीक है, किटन ड्रिंकिंग मिल्क. अब देखो, जो बैकयार्ड में जब मृदु को लेके गए हुए बच्चे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उनके पास एक किटन होता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है छोटा सा. ठीक है, तो उसको उन्होंने छिपा के रखा हुआ था, और वहाँ पे बैकयार्ड में एक कोकोनट शेल था, जैसे नारियल की, नारियल जो होता है अगर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो एक बाउल बन जाएगा, मीन्स एक कटोरी बन जाएगा. तो उस कटोरी में, मतलब जो कोकोनट शेल की बनी हुई थी, उसके अंदर उसके लिए मिल्क भी रखा हुआ था उसके पीने के लिए. मीना सेड दैट दे हैड फाउंड द क्रिएचर आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग. मीना क्या बताती है कि उन बच्चों को, मतलब मीना को और उसके जितने भी ब्रदर सिस्टर थे, तो उनको वो किटन कहाँ मिला था, वो क्रिएचर कहाँ मिला था, गेट के बाहर मिला था. ठीक है, एक मॉर्निंग में उनको गेट के बाहर मिला था.
बट इट वॉज कैप्ट सीक्रेट, लेकिन ये एक सीक्रेट रखा हुआ है, ये बात किसी को उन्होंने बताई नहीं है अब तक घर में, उन्होंने उसको छुपा के रखा हुआ है घर के पीछे बैकयार्ड में. चिल्ड्रन हैड अ फियर दैट पाति वुड गो अवे इफ शी नोज अबाउट द कैट इन द हाउस. और इन बच्चों को ये भी डर लग रहा है कि अगर पाति को पता चल गया तो. पाति यहाँ पे क्या है, पाति यहाँ पे दादी को बोल रहे हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर को बोल रहे हैं. तो अगर उनको पता चल जाता है तो, ये बच्चे जानते थे अगर उन्हें पता चला तो उनको डांट लगेगी और वो बहुत ज़्यादा डरते थे अपनी दादी से, अपनी पाति से, तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे उनको बताना कि कहीं उनको डांट लगे और वो इस बच्चे को भगा दें यहाँ से. रवि हैड सक्सीडेड बाई टैक्ट इन गेटिंग अ लिटल मिल्क फॉर द किटन. और जो रवि है वो सक्सेसफुल भी हो जाता था उस किटन के लिए, उस बच्चे के लिए थोड़ा सा मिल्क लाने में. द चिल्ड्रन नेम्ड इट महेंद्रन. और बच्चों ने उस किटन का नाम क्या रखा था, महेंद्रन नाम रखा था उस किटन का. इट वॉज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. और वो बहुत ही अच्छी नस्ल की कैट थी, फाइन ब्रीड थी वो कैट की. रवि गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कैट्स फैमिली. और रवि जो है वो पूरी डिटेल देता है उस कैट की फैमिली के बारे में एंड रिलेटिव और उसके रिलेटिव्स के बारे में. देखो यहाँ पे जो रवि है उसको बहुत ही नॉलेज है और वो उस कैट की फैमिली और रिलेटिव्स के बारे में पूरी डिटेल देता है स्टोरी के अंदर. और वो बताता है कि जो कैट है वो बहुत ही अच्छी नस्ल की कैट है. ही सेड द कैट वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द महाबलीपुरम एट हिज कुक्ड अप स्टोरी. देखो यहाँ पे वो क्या बताता है कि जो कैट है वो डिसेंडेंट थी महाबलीपुरम, मतलब महाबलीपुरम एक जगह का नाम है, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे उसके कुछ पूर्वज रहे होंगे तो वो वहाँ से बिलोंग करती है स्टोरी के अंदर. ठीक है, स्टोरी में बताया जा रहा है लेकिन ये नहीं पता कि ये सच है या नहीं. वैसे देखा जाए तो ये बातें सच नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी बनाई हुई है अपने मन से. द कैट वॉज फ्राइटेंड टू हियर रवि साउंड. जो कैट है वो थोड़ी सी डर जाती है जैसे ही वो रवि की आवाज़ सुनती है तो. ही फ्लैड फ्रॉम हिज प्लेस. और वो अपनी जगह से वहाँ से भाग भी जाती है. लाली वॉज लर्निंग टू प्ले द वायलिन. और दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है कि लाली जो है, जो उन्हीं की बहन है, वो वायलिन सीख रही होती है, वायलिन बजा रही होती है. शी वॉज नॉट डूइंग वेल. और वो अच्छा नहीं बजा रही थी वायलिन, उसको अच्छे से बजाना नहीं आ रहा था, वो अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही थी वायलिन को. शी वॉज नॉट डूइंग वेल ऑल दो द म्यूज़िक मास्टर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक हर लर्न. हालांकि जो म्यूज़िक मास्टर था वो बहुत ही अच्छे थे उसके म्यूज़िक मास्टर लाली के, और वो उसको पूरी कोशिश कर रहा था कि वो बेस्ट से बेस्ट उसको सिखा सके, ठीक है, लेकिन लाली जो थी वही अच्छे से सीख नहीं पा रही थी. यस, पार्ट सेकंड. सेकंड पार्ट में देखो क्या होता है. मृदु वेंट अप टू द विंडो. मृदु जो है विंडो के पास जाती है. शी सो लाली सिटिंग विद हर वायलन. और वो लाली को देखती है कि वो वायलन के साथ बैठी हुई थी, वायलन था उसके हाथ में और वो बैठी हुई है. इन फ्रंट ऑफ हर देयर वॉज द बोनी म्यूजिक मास्टर. और उसके बिल्कुल सामने कौन बैठा था, उसके उनके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे, मीन्स जो उसको वायलन बजाना सिखा रहे थे वो मास्टर उसके बिल्कुल सामने बैठे थे. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड. उसका ये समझ लो जो मास्टर जो थे उनका जो हेड था वो बिल्कुल बाल्ड था, मीन्स गंजे थे वो. ही वॉज वियरिंग अ गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक. और उन्होंने अपनी नेक में, गर्दन में एक गोल्डन कलर की चेन पहनी हुई थी, मीन्स गोल्ड चेन पहनी हुई थी, सोने की चेन. एंड अ डायमंड रिंग ऑन हिज हैंड. और हाथ में एक डायमंड की रिंग पहनी हुई थी. ये सारा जो है म्यूजिक मास्टर का कैरेक्टर स्केच बताया जा रहा है, तो इसको ध्यान से सुनना. अ बैगर केम एट द गेट. फिर उसके बाद क्या होता है, एक बैगर जो है गेट पे आता है. द मदर टोल्ड रवि टू सेंड हिम अवे. और जो रवि की जो माँ है वो रवि को कहती है कि उसको यहाँ से जाने के लिए कह दो, कि जो बैगर है उसको कि वो यहाँ से चला जाए. शी वॉज चैटिंग विद तापी. और वो किससे बात कर रही थी, वो बात कर रही थी तापी से, मीन्स उनकी दादी से बात कर रही थी. द बैगर्स वॉइस इरीटेटेड हर. और जो बैगर की जो आवाज़ थी, जो बार बार वो आल्म्स के लिए, भिक्षा के लिए बोल रहा था, ठीक है, वो भी उसको इरीटेट कर रही थी बहुत ज़्यादा.
शी कंप्लेन दैट ही वॉज कमिंग देयर एवरी डे. और वो क्या कंप्लेन कर रही थी कि ये डेली आ जाता है यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए, उनको इरिटेट करता है यहाँ पे आके. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और जो बैगर जो था वो ऑलरेडी गार्डन में खड़ा था, सब बातें सुन रहा था. ही हैड स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, और वो क्या करता है अपना एक छोटा सा जो क्लोथ है, कपड़ा है, वो फैलाता है नीम ट्री के नीचे. ठीक है, जहाँ पे मतलब देखो कोई भी गर्मी के टाइम में जो पेड़ होता है, जैसे नीम का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, किसी भी चीज़ का पेड़ है, तो वो एक अच्छी छांव देता है, ठंडक देता है. तो जो यहाँ पे बैगर है वो नीम ट्री के नीचे बैठ जाता है अपना कपड़ा बिछा के वहाँ पर. ही लीन्ड अगेंस्ट द ट्री ट्रंक, और जो ट्री का जो ट्रंक था, जो तना था, उससे मतलब अपनी कमर लगा के बैठ जाता है आराम से, वेटिंग फॉर द आंस, और वो वेट कर रहा था कि उसके लिए कब भिक्षा आएगी. रवि टोल्ड हिम स्टर्नली टू गो अवे, लेकिन जो रवि था, क्योंकि तापी ने बोला था रवि को कि जाओ, उसको बोल के आओ यहाँ से चला जाए, लेकिन फिर रवि आता है बहुत ही स्ट्रिक्टली, स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली उसको वार्निंग देता है या उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ. द बैगर सेटअप, बैगर जो है अभी भी बैठा हुआ था, एंड साइज्ड, साइज्ड मीन्स अ डीप ब्रेथ, मीन्स एक लंबी सी सांस लेता है चिंता के साथ. ही टोल्ड दैट ही वुड गो अवे आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, और वो क्या कहता है, ठीक है मैं चला जाऊँगा यहाँ से, लेकिन मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो. द टार हैड मेल्टेड ऑन द हॉट रोड, क्योंकि वहाँ क्योंकि गर्मी का टाइम था, तो जो रोड पे जो तार होता है वो भी मेल्ट हो रहा था गर्मी की वजह से, क्योंकि रोड जो था वो बिल्कुल हॉट हो गया था, बिल्कुल गर्म हो गया था, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर तार बिछा हुआ था वो भी मेल्ट हो रहा था. इस बेयर फीट हैड गॉट ब्लिस्टर्स, और जो उसके नंगे पैर थे, क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं थी, भिखारी था वो, वैसे ही बैगर था, तो और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जो रोड पे जैसे वो चल रहा था, तो उसके जो फीट थे वो भी, उसमें भी छाले पड़ गए थे, ब्लिस्टर्स मीन्स छाले. द चिल्ड्रन गॉट सिंपथेटिक टुवर्ड्स हिम, और जो बच्चे थे उनको बहुत ही ज़्यादा दया आ रही थी उसकी तरफ. मृदु आस्क्ड मीना, मृदु जो है मीना से पूछती है, एंड रवि, मीनू और रवि दोनों से पूछती है, इफ़ दे हैड गॉट एन ओल्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स इन द हाउस, क्या उनके पास कोई ओल्ड पेयर होगा स्लीपर्स का घर में. मतलब वो सोच रहे हैं कि ये बेचारा यहाँ पे नंगे पैर बैठा हुआ है, इतनी गर्मी है, उसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि क्या हमें घर से कोई चप्पल मिल सकती है. देखते हैं वो कि उन्हें कोई चप्पल मिलती है उस बैगर के लिए. तो अगर रवि वेंट टू सर्च, तो रवि जो है घर में ढूंढता है कि कोई उसे पेयर ऑफ चप्पल्स का मिल जाए. मृदु नोटिस्ड अ पेयर ऑफ चप्पल्स इन द वेरेंडा, अब देखो मृदु ने नोटिस करा कि एक पेयर ऑफ चप्पल्स रखी हैं वेरेंडा में. ही गेव इट टू द ओल्ड मैन, और वो क्या करते हैं, रवि क्या करता है, वो जो वेरेंडा में जो चप्पल्स रखी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये पुरानी सी चप्पल है, चलो इस बैगर को दे देते हैं, तो वो चप्पल उठा के उस बैगर को दे देता है. टू वियर एंड आस्क्ड हिम टू नेवर कम बैक अगेन, और उसको ये भी कहता है कि तुम आगे से कभी भी यहाँ मत आना, लो ये चप्पल ले जाओ और आगे से यहाँ मत आना. द बैगर ब्लेस्ड द चिल्ड्रन, और जो बैगर है भिखारी है वो उन बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के जाता है, आशीर्वाद दे के जाता है, क्योंकि उसकी हेल्प करी थी उन बच्चों ने. ही पुश्ड हिज फीट इन टू द स्लीपर्स, और वो अपने पैर आगे की तरफ बढ़ाता है और उन चप्पल्स को पहन के, एंड लेफ्ट इन अ हरी, और बहुत ही जल्दी में वहाँ से चला जाता है. द म्यूजिक मास्टर सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा, और एक्चुअली में वो चप्पल्स किसकी थी जो उन बच्चों ने वहाँ वेरेंडा से उठाई थी, वो एक्चुअली में चप्पल्स म्यूजिक मास्टर की थी. और म्यूजिक मास्टर कौन था, जिसका अभी हमने कैरेक्टर स्केच बताया था कि जो हेड जो था उसका बाल था, ठीक है, सोने की चेन पहनी हुई थी उसने, गोल्ड डायमंड रिंग पहनी हुई थी अपने हैंड में, अपनी फिंगर्स में, ठीक है, तो देखने से तो वो बहुत अमीर लग रहा था, लेकिन उसकी जो चप्पल थी वो पुरानी लग रही थी देखने में, तो इस वजह से बच्चों ने वो चप्पल बैगर को दे दी थी. तो अब म्यूज़िक मास्टर जो है बाहर आता है लाली को पढ़ाने के बाद, तो देखते हैं कि वहाँ वेरेंडा में तो चप्पल ही नहीं है. ही सैड हिज स्लीपर्स वर ब्रांड न्यू एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो, और वो क्या कहता है कि मेरी चप्पल्स का तो ब्रांड बिल्कुल नया था, वो तो बहुत ज़्यादा महंगी थी. रुकुमनी केम देयर विद पाती, अब रुकुमनी आती है पाती के साथ,
she rightly guessed that it was the mischief played by the children. और वो एकदम से guess कर लेती है कि ये जो शरारत करी है ये ज़रूर उन बच्चों की शरारत होगी. She was upset and angry. और वो थोड़ी सी दुखी भी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है बच्चों के ऊपर कि म्यूज़िक टीचर के साथ इस तरह से बिहेव किया इन्होंने. She went indoors. और वो अंदर घर में जाके देखती हैं and brought Gopu Mama's new chappals. और गोपू मामा से नई चप्पल, मतलब गोपू मामा की समझ लो कि वो नई चप्पल थी, या गोपू मामा से कह के वो मंगाती है म्यूज़िक मास्टर के लिए नई चप्पल, क्योंकि पूरे घर में उसे चप्पल नहीं मिलती. एंड गेव दैम टू म्यूज़िक मास्टर. और म्यूज़िक मास्टर को वो चप्पल दे देती हैं. शी फेल्ट सॉरी टू द मास्टर ऑन बिहाफ ऑफ हर सन रवि. और वो सॉरी भी फील करती है उस मास्टर से, और किसके बिहाफ पे, रवि की गलती की वजह से. ठीक है, रवि ने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल लेके दे दी थी बैगर को, इस वजह से जो यहाँ पे जो पाती हैं, जो रुकुमनी हैं, ठीक है, वे सॉरी फील करते हैं म्यूज़िक मास्टर से रवि के बदले. द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लाइट अप विद जॉय. म्यूज़िक मास्टर की जो आइज थी वो खुशी के मारे बहुत ही चमक रही थी, शाइन कर रही थी. He put them on and called children naughty monkeys. वो उन्हें पहन लेता है और जाते वक्त उन बच्चों को क्या कहता है, naughty monkeys, शरारती बंदर. The mother didn't like Ravi being called a monkey. और रवि की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसके बेटे को मास्टर ने क्या कहा, monkey कहा. She went inside the house. और वो घर में अंदर चली जाती है. She thanked God that Gopu Mama's chappal were there. और वो थैंक यू कहती है भगवान को कि जो गोपू मामाज है उसकी चप्पल रखी थी घर पे और वो दे दी गई उसे, जिससे कि देखो अगर घर में इस तरह से कोई बात हो जाती है तो इसमें इंसल्ट होते हैं कि बाहर कोई बाहर का कोई आया हमारे घर पे एज अ गेस्ट और उसके साथ अगर इस तरह से बच्चे बिहेव करेंगे तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है. तो इस वजह से उसने भगवान का धन्यवाद किया कि टाइम पे उन्हें चप्पल मिल गई और उन्होंने वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी, जिससे कि म्यूज़िक मास्टर भी घर से फिर खुश होके गया, क्योंकि उसे तो पुरानी चप्पल के बदले नई चप्पल मिल गई थी. और उसने ये बात भी झूठ बोली थी कि ये तो बहुत ही ब्रांडेड चप्पल थी और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि देखने से वो चप्पल बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी. तो यहाँ पे देखिए, बट शी लाफ टू थिंक हाउ मच अपसेट वुड ही बी ऑन हिज रिटर्न. लेकिन वो हंसती हैं ये सोच के कि हाउ मच अपसेट वुड ही बी ऑन हिज रिटर्न, लेकिन जो उसका बेटा है वो कितना अपसेट होगा इस बात पे. शी डिक्लेयर दैट शी वुड टेक ऑल द ब्लेम ऑन हरसेल्फ. फिर वो डिक्लेयर करती हैं कि जो सारा ब्लेम है वो अपने ऊपर ले लेगी. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी एंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. नाउ चिल्ड्रन प्लीज़ लिसन टू द लेसन टू अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, समरी नहीं लिखनी, क्योंकि समरी बहुत ही बड़ी है इस चैप्टर की. आप बस इस समरी को बार बार इसको रीड आउट करना, रिवाइज करना, तो आपको इसकी पूरी स्टोरी लर्न हो जाएगी, आपके माइंड में बैठ जाएगी. सो प्लीज़ रिवाइज द समरी and only write the introduction in the fair register. Fair register में इस chapter को शुरू करने, जब आप शुरू करोगे, starting करोगे, सबसे पहले आप introduction लिखोगे. ठीक है, then you will do word meaning and question answer. next video में हम इस chapter के word meaning करेंगे और question answer करेंगे. okay, if you have any problem regarding the summary or introduction or of this chapter, then you will ask and give comments after watching the video. Okay, thank you and take care.